बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद बारिशें, कई अजला में जानी और माली नुकसान, आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाकयात में 7 अफराद जाँ महक हो गए। बलूचिस्तान के बारिशों से मुतासर अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान, आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा गया। क्वेटा से इब्रार अहमद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। इब्रार बताइए, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कब तक बारिशें खत्म होंगी? जी हाँ, बिल्कुल, 12 अप्रैल से बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला शुरू हुआ था जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है। क्वेटा समेत सुबह के 25 अजला जो हैं वहाँ पर शदीद बारिशें हुई और उसके नतीजे में जानी और माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा। सूबेदार हुकूमत अगर क्वेटा की बात की जाए तो क्वेटा में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान जो है वो शदीद बारिशें हुई हैं। क्वेटा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि कई इलाके जो हैं वहाँ पर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। अगर दुकानी बाबा चौक की बात की जाए, इमदाद चौक हो गया, क्वेटा के कई नवाही इलाके जिसमें चश्मा चौजई है, नवा किली है, कमरानी रोड, सेटेलाइट टाउन, डबल रोड और कई जानमद रोड और इसके अलावा कई और इलाके हैं वहाँ पे बारिशों के बाद जो है वो सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, कई इलाकों में जो है बारिश का पानी और सीवरेज का पानी जो है वो घरों में दाखिल होने की भी इत्तला मौसूल हुई। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और गैस प्रेशर में कमी की जो है मसला भी सामने आया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर दीगर अजला की बात की जाए तो सूबे के 25 अजला में शदीद बारिशें हुई जिसके नतीजे में नुकसान भी हुए। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाकयात में 7 अफराद जाँ बाक हुए, जबकि 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। कई मकान जो हैं कच्चे मकान को भी नुकसान पहुँचा, 22 मकान को जुजवी तौर पर नुकसान पहुँचा, जबकि 7 मकान जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसके अलावा कई सड़कें भी जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ गई, जिसकी वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचा, जबकि केच में एक पुल जो है उससे भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर बारिशों की अगर बात की जाए तो बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक बारिशें जारी रहने का इम्कान है, ठीक है, और जिसके बाद जो है 2 से 3 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इब्रार हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया।